अब अगर तू बाहर आया, बाहर आके लिखा बताती हूँ मेरे को। So here is my kids are having for lunch today. So here is my kids for lunch today. Why don't we call mac and cheese as खीर सर्व्ड विद सम चीज। ये वो लोग होते हैं ना जो रिसेस होने से पहले आ जाते हैं दूसरों के टिफिन में मुंह मारने। ये देखो नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से फूड चैलेंज के साथ वापस आ गए हैं। सो मुझे बताओ कि कभी आपने ऐसे वाली वीडियोस देखे हैं क्या, शॉर्ट स्क्रॉल करते करते। सो हियर इज व्हाट माय किड्स आर हैविंग फॉर लंच टुडे, सो हियर इज व्हाट माय हस्बैंड इज हैविंग फॉर लंच टुडे। और मुझे सारे वीडियोस बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनके वो जो टिफिन बॉक्स होते हैं भाई, वो ड्रीम टिफिन बॉक्स होते हैं। मुझे हमारे टाइम पे वो स्टील का एक डब्बा सा आता था जिसमें से चटक चटक ऐसे करके बंद होता था और उसी के अंदर भिंडी की सब्जी और पराठा। और वो भिंडी की जो सब्जी है उसका तेल पूरी जगल, और हम पॉलिथिन में बांध के लेके जाते थे वो टिफिन। वो भिंडी की सब्जी का तेल वो एक डब्बे से पास होके दूसरे डब्बे से पास होके थैली से पास होके मेरी मैथ्स की मोटी वाली नोटबुक के कोने में जाके लग ही जाता था हर बार। पर जब मैं इनके टिफिन बॉक्स देखती हूँ मुझे लगता भाई ये क्या इतनी मेहनत क्यों। पता है इनकी मम्मियाँ फ्रूट्स भी ऐसे नॉर्मली काट के नहीं देती, फ्रूट्स को भी ऐसे अलग अलग शेप में डिजाइन में काट के फिर दूसरे फ्रूट में उसको अलग से उसकी डिजाइन चिपका के ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जाम दे रही हो ना उनकी मम्मी ऐसे देती हैं। वो सारे डब्बे देख के मुझे ऐसा लगता है या तो मैं वापस स्कूल जाने लग जाऊं ऐसे सारे टिफिन बॉक्स लेके, या शुड हैव अ किड जिसको मैं ऐसा वाला टिफिन बॉक्स दे सकूं। अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है दोनों में से, सो बेटर मैं ऐसा वाला टिफिन बॉक्स बनाऊं और अपने लिए ही बना के खा लूं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी जस्ट गोइंग टू मेक सम वायरल टिफिन बॉक्स रेसिपीज फॉर लेजिट 24 आवर्स। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो ब्रेकफास्ट के लिए हम ये वाली रेसिपी फॉलो करने वाली है। हैलोवीन के अराउंड थी बट क्योंकि मैंने इतनी बार देख ली थी और मुझे थोड़ी सी अलग सी लग रही है ना, बड़ा मन है ट्राई करने का। वैसे इनकी सारी सारी की सारी रेसिपीज में नॉन वेजिटेरियन फूड है जिसको हम कुछ ना कुछ अल्टर करके हम उसको वेजिटेरियन बनाने वाले हैं। सो यस, फुल मजा आएगी। और भाई साहब इनके जो टिफिन बॉक्सेस होते हैं वो थर्मस वाले होते हैं जो गर्म रहते हैं। मुझे उसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ये वाला मिला, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। ये बिल्कुल उनके जैसे नहीं, उनके मतलब छोटे छोटे से खांचे होते हैं। सो दिस इज समथिंग स्वीट फॉर माय किड्स दैट दे आर गोइंग टू हैव टुडे, ऐसे करके जो वो देती है ना, क्या ब्लूबेरीज, क्या अलग अलग तरीके की चॉकलेट भाई, मतलब इतना ऐसे शेप शूप बना के देती कि बच्चा खा ले। मेरी मम्मी ने तो वो जो पराठा और अचार रखा होता था, अगर मैं खा के नहीं आती थी क्या बवाल मचता था। और इनके ब्रेकफास्ट में एक चीज नहीं बनती, इनके ब्रेकफास्ट के लिए टिफिन के डब्बे के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं, तो हम भी वही बनाएंगे। ओके, घोस्ट पैनकेक बनाना विद सम डॉलप्स ऑफ क्रीम। ऑल्सो इनके यहाँ जो फ्रूट्स मिलते हैं ऑब्वियसली वो इनके सीजन के हिसाब से अलग होते, मुझे सेम नहीं मिले, जितने मिले वो मैं लेके आई हूँ। ये सुन के जाओ, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये ना, मतलब फ्रूट्स की आँख बनाने के लिए, और फ्रूट पिकर है बेसिकली जो ये लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने इंडिया में देखा था भाई। मैं बोल रही हूँ ऐसी छोटी छोटी सी डंडियाँ, मतलब वो पूरा पैकेट 4,000 रुपये का मिल रहा था भाई, 4,000 रुपया तो नहीं दिया गया। तो ये मेरे को ना यार लोकली एक जगह से सस्ता सा छोटा वाला मिल जाए। देखो ऐसे किसी की आँख लग रही है, इसके अंदर हम फ्रूट लगा के देंगे और फिर वो खाएगा, सीधा तो खाया नहीं जा रहा बच्चों से। हमें मेजरली बनाने पैनकेक्स, इन्होंने स्क्रैम्बल्ड एग्स दिए तो हम स्क्रैम्बल्ड बेसन का चीला बनाने वाले हैं, और वो इन्होंने कुछ टर्की वर्की का कुछ तो बनाया है। हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की जैसा, लेकिन ये राउंड राउंड है, टिक्की जैसा ही है, ये किसी और चीज की टिक्की है, आलू की टिक्की बनाने वाले हैं। इतने इजीली इनकी बड़ी एस्थेटिक सी चीज को टिक्की का नाम दे दिया है, बट इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। मैंने जब टिफिन बॉक्स ऑनलाइन मंगवाया था ये आया, मेरी मम्मी इतने फैसिनेटेड थे इसको देख के। दो इनको अभी किसी को टिफिन नहीं देना होता, बट इनका जो टिफिन कलेक्ट करने की आदत है उसमें काफी अच्छा कलेक्शन हो गया है। मैं इसके बच्चों को टिफिन बना के दिया था। मम्मी यार आप एकदम से सेंटी होते चलेगा। ये मैं मेरी डिनर की रेसिपी दिखा रही हूँ। तो अब आपकी भिंडी सब्जी कौन खाएगा मम्मी? पर मुझे भिंडी सब्जी बहुत पसंद है, भिंडी पराठा। तो मेन पंगा ये हो जाता था कि मैं नहीं खा के आती थी, अब घर पे बैठा के घर पे पहले दूसरा लंच बाद में देंगे, पहले ये टिफिन फिनिश करो। आई रिमेम्बर दैट। और मतलब मेरी आदत थी कि मैं टिफिन निकालूंगी ही नहीं बैग से, मेरी मम्मी का अलार्म आते ही चालू रहता था, बैग में से टिफिन निकालो, बैग में से टिफिन निकालो। कितने बार तो ये बोलते 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 थे टिफिन में से बैग निकालो, टिफिन में से बैग निकालो। मम्मी आज हम यही वाले टिफिन बॉक्स बनाने वाले हैं, जो ये बना रही है वो। गुड मॉर्निंग गाइस, दीस वीडियोस आर वेरी सैटिस्फाइंग टू वॉच। जान में और मैं हमें पता चले तुम रैंडमली यही वीडियो स्क्रॉल करे, मुझे प्लीज बताओ अगर आपने भी ऐसी वीडियोस देखी है। मैंने ये बहुत ज्यादा फैंसी बेरीज का डब्बा लेके आई हूँ। मैं जब भी ऐसी बेरीज वगैरह देखती हूँ ना मुझे बड़ी टेम्पटिंग लगती है। ज्यादा ही जम गया मुझे लगता है, थोड़ा सा हम इसे साइड में रखते हैं। फ्रेश फ्रेश आलू टिक्की बनाएंगे और पैनकेक्स भी बनाएंगे। मैं ना स्क्रैम्बल्ड चीला बनाना है, मैं नॉर्मल बेसन का चीला ही बनाने जा रही हूँ, वो अपने आप स्क्रैम्बल्ड ही बनेगा मुझसे। ओके
इसको हम डाल देते हैं एयर फ्रायर के अंदर। ये हम ना बहुत थोड़ा सा ही बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा हम स्क्रैम्बल टाइप कर सकें। आज जब हमारा प्लान है कि हमें टूटा फूटा चीला बनाना है तो बन नहीं रहा है। वैसे जब मैं कभी भी कुछ बना रही होती हूँ तो सब टूटा फूटा ही बन रहा होता है। आज के सही, ये देखो कितना स्मूथली पलट गया, ऐसा चीला बना है। रेस्टोरेंट वालों को यूज करते हुए देखा, आज मैं घर पे बनाएगा डॉलप्स ऑफ व्हिप्ड क्रीम। मुझे बड़ी मजा आती है ऐसे नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ बनाने में से। और ये एक्चुअली अच्छा होता है। अगर आपको नटेला और पैनकेक अच्छा लगता है ना, बाहर कभी खाया हो, तो आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हो। एडिंग सम वाटर और ये मिक्स 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 मिक्स। हमारा पूरा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। ओह वाओ, और बहुत ज्यादा मेस हो गया है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों क्या ठंडी होती है तो ये क्रीम वैसी रह जाती है, अपनी वाली क्रीम पिघलने लगी है। बट ठीक है, हमें ना इसमें ये चौको चिप्स लगाने हैं आँख जैसे। जी, हमारा पहला टिफिन बॉक्स जो है वो बनके रेडी हो गया है। यार ये इतना भी एग्जैक्टली वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि मेन तो ये टिफिन की शेप अलग है उस वजह से, और थोड़े से मतलब हमें वो फ्रूट नहीं मिला एग्जैक्टली, इस वजह से भी ऐसा है। लेट्स स्टार्ट विथ सम पैनकेक्स। ओ, ये पैनकेक्स सॉगी हो गए क्योंकि क्रीम पिघल गई है। आप ये पैनकेक यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पिघल रहे हैं। बट भाई, ये पैनकेक की रेसिपी मत बनाना आप लोग, क्योंकि जो आप ऊपर से क्रीम डालोगे ना तो वो पूरी पिघल जाएगी, वो पूरी वॉटरी हो गई है। सो दैट्स अ फेल, बट खा सकते हैं, लाइक मैं तो खा ही सकती हूँ। देन वी हैव दिस होममेड वेरी फ्रेश आलू टिक्की। दिस इज सो गुड। आलू हल्के से मीठे हैं ना, मैंने मिर्ची मस्त डाली है तो वो खट्टे मीठे का मस्त फ्लेवर आ रहा है। ऑल्सो ट्राइंग माई स्क्रैम्बल्ड बेसन का चीला। This is also very nice, very very nice. ये वाली ना फ्रोजन ब्लूबेरीज है। वैसे मैंने नॉर्मल वाली ब्लूबेरीज खाई और मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। बहुत महंगी आती हैं बट अच्छी बड़ी लगती है। मेरे को तो बड़ी मजा आने वाली मेरी वाला ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें ना सारे ही फ्लेवर्स हैं। एक फ्रूट भी आ गया, मीठा भी हो गया, स्पाइसी भी हो गया, बेरीज भी हो गई। सो मस्ट ब्रेकफास्ट। ये आई एम जस्ट गोइंग टू सिट हियर एंजॉय माई ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, लंच का टाइम हो चुका है। मैं तेरे को दो ऑप्शंस दे रही हूँ। तूने इंडियन नहीं ढूंढे क्या? यार इंडियन वाले तो खाए हुए थे, ये बहुत अलग लग रहे थे। We are doing another meatless meal today with some chocolates and that's it. I hope you guys have enjoyed that's the video. That's it, दीदी. That's it. हाँ, ये पता है इतना सारा रखने के बाद लोग मुझे कहते हैं, मैं इतना मेकअप करती हूँ, मैंने कहा that's it. People are like that's it. ये हम आ चुके हैं किचन में। पता नहीं क्यों मेरा भी मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ टेस्टी खा लूँ, पर मैं बनाऊँ ना। अगर कोई मेरे भरोसे खाने के लिए बैठे ना तो बेचारा मतलब बिच कोई भी खा ही ना पाए, क्योंकि मैं तो खाना मेरे मन के हिसाब से बना पाता हूँ। ओके, तो तेरियाकी चाप के लिए हमारे पास यहाँ पे चाप है जिसको हमें तेरियाकी सॉस में पकाना है, वो हम कर लेंगे। हमें मेन बनाने हैं सुशी राइस टू मेक दैट राइस बॉल्स, वो हम कर लेंगे। ऑल्सो गाइस, शुगर स्नैप पीस करके एक चीज़ आती है, वो मटर जैसे होते हैं पर वो मीठे मटर होते हैं, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। और वो जो मटर के दाने नहीं खाते, वो पूरा छिलका सहित खा लेते हैं। तो लेट्स मेक दिस। वेलकम टू कुक विद गोपाली गाइस। आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों की टिफिन बॉक्स के लिए बहुत ही अतरंगा सा टिफिन बॉक्स, जो मुझे नहीं लगता ये खाएंगे क्योंकि ऐसा कभी कुछ मैंने ट्राई किया नहीं है। मैं सिर्फ चिकन को अल्टर करके आई एम यूजिंग दिस थिंग। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर दोस्त। मुझे कि हमें इसे मैरिनेट तो करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर हम इसे मैरिनेट नहीं करेंगे तो एक तो पहली बात मैंने ये फ्लेवर कभी ट्राई नहीं किया, मेरे को पता नहीं ये कैसा लगेगा। पहले ये इसके सॉस को चखते हैं। ये बताइए अंग्रेजों को प्लीज कोई ना मसाले खिलाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छी ऐसे वियर्ड नहीं है, बट ये अकेली एक चीज हमारी सोया चाप को फ्लेवर्स कैसे देगी मुझे उसका आइडिया नहीं है। ओह
हमने बिल्कुल अपनी साइज की भगोनिया में चावल बनने के लिए रख दिए सुशी राइस गाइस. चावल साउंड्स वेरी बेसिक. वी आर कुकिंग सम सुशी राइस टू मेक सम राइस बॉल्स रैप्ड अप विद सम नोरी शीट्स. गाइस मैं ना इसमें पहले थोड़े से चीरे मार रही हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अंदर जाए. मम्मी ने किचन कर दी थी साफ और अब मैंने जो सुशी राइस बनाने रखे हैं ये पानी ओवरफ्लो कर रहे हैं. अब अगर तू बाहर आया, बाहर आके दिखा बताती हूँ, मेरे को ये धूल दूंगी तुझे एकदम. आई हैव नो क्लू इज पुटिंग सम सॉस. गाइस मैं ना इसको थोड़ा अपनी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी तो कहीं पे है नहीं, तो मैं हल्के से ऑयल में ग्रीन गार्लिक और ग्रीन चिली वगैरह डाल के ये सॉस डाल के फिर हम अपने चाकू डाल देंगे. गाइस हमने पहले एक को करके देखते हैं कैसे हो रहा है. स्मेल अच्छी आ रही है, स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. देखिए भैया जैसे खुशबू कर रहे हैं वैसे ही चखिएगा भी. इसमें ना ये लोग शुगर स्नैक पीस रख रहे हैं जो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला है, तो उसके अल्टरनेटिव में मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस में देखा है जो ये लोग ना फ्रूट्स को ऐसे कट आउट करके कैरेट्स को और ग्रेप्स को ऐसे अलग शेप में ऐसे जिगजैग कट करके रखते हैं. सो वी विल डू दैट. सारी मैंने मेरी कारीगरी एक अंगूर पे दिखा देनी है. हाँ जी, तो ये ना कुछ इस तरीके से हम ग्रेप्स, कीवी, ये लोग सब कुछ ऐसे ही काटते हैं. ये ना मैंने क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी है तो मैंने देखा ये चेरी टोमेटो है, हमने चेरी टोमेटो के अंदर इसको डालेंगे. दिस लुक्स लाइक एन आई नाउ. मैंने जो देखा था ना उनके पास तो प्लास्टिक की टोपी जैसा था, तो ऐसा लगता है टोमेटो ने टोपी लगा रखी है. काफ़ी क्यूट था वो, हम ये भी एक यूज़ कर सकते हैं. हाँ ये देखो ये कितना क्यूट लग रहा है, ये सही है. सो हम और मैंने चेरी टोमेटोज अकेले खाओ तो काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं. यार आर्टिस्ट तो मैं हूँ भाई साहब, पर मेरे वाले जो ग्रेप्स हैं ना बिखर रहे हैं कटने के बाद, उनके वाले ऐसे स्लीक खड़े रहते हैं. तो ये जो इसका जो इन वीडियो में इन्होंने मोल्ड यूज़ किया ना, ये अमेजोन पे जाके देखना ये 3,000 रुपये का मिल रहा था. तो मैंने सोचा इतनी कारीगरी तो मेरे इस हाथों में है कि मैं बढ़िया से गोल लड्डू बना लूँ छोटे छोटे. जब तक यहाँ पे राइस ठंडे हो रहे हैं हमने नोरी शीट्स के पतले पतले वो काट लेते हैं जो इसके ऊपर लगाने हैं. तो हमारे ना ये राइस बॉल्स बनके तैयार हो गए, हमें सिर्फ इसे रोल करना है शीट्स पे. ये सारा कुछ बना के तैयार कर लिया है और अब टाइम है इस बॉक्स के अंदर सब कुछ डालने का और अपना टिफिन बॉक्स को तैयार करने का. आ जाओ गाइस. हमारे पास मैंगोज नहीं थे क्योंकि सीजन ही, तो हमने मस्त गुआवा का सीजन है, हमने मस्त पिंक कलर के गुआवा कट कर लिए हैं. एंड इसको ना मैंने स्टार शेप का भी कट किया क्योंकि है, क्योंकि टिफिन वाले नॉर्मल कट थोड़ी कट करते ही नहीं है भाई. सो हियर इज व्हाट माय किड्स आर हैविंग फॉर लंच टुडे. It sounds like a rap. So here is what my kids are having for lunch today. So here is my kids for lunch today. So here is what my kids are having for lunch today. So here is what my kids are having for lunch today. गाइज हमारा लंच बॉक्स बन के यहाँ पे रेडी हो गया और खाना बनाना होता है तब तक ये दिखती नहीं है, खाना बन जाता है फिर ये आ जाती है. चाप डोंट लुक टेम्पटिंग एट ऑल गाइस, जबकि मुझे और जानी को वैसे चाप बहुत ज्यादा पसंद है. दिस स्मेल लाइक सोया सॉस. खा के देख, दिस इज टेरियाकी सॉस. ये बहुत अच्छा है गाइस, चावल ही अच्छे है खाली. आग वाले गाजर तो अच्छी होती है ना, चेरी टमाटर पता है, बट गाइस ये जो चावल आज इसने बनाए है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. और एक काम कर, इवनिंग स्नैक मैं बना देती हूँ, इस तरह खाने लायक तो कुछ बनाया है नहीं इसमें से. डिसलाइक इट, इट्स नाइस ओनली. इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस ना. द टेरियाकी सॉस इज सो गुड. अब उनकी गलती भी नहीं है यार, उन्होंने अपने टर्की पे बनाया था तो उसके साथ शायद अच्छा लगता होगा. बुरा भी नहीं है हमें और अच्छा भी नहीं है. ऐसा कि सॉस तो फिर भी ठीक है, बट जो चाप है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेवरलेस लग रही है क्योंकि अंदर गया ही नहीं है, रग रग तक जो मैं जाने वो मैरिनेट नहीं हुआ है गाइस. इतने अच्छे मैंने चावल कभी नहीं खाए. मुझे नहीं पता था चावल की कितनी अहमियत होती है. मैं चावल को टेरियाकी सॉस पे लगा के खा रही हूँ. अच्छा लगेगा. दिस इज नाइस. पर तेरे बच्चों को अच्छा क्रिएटिव सुंदर टिफिन बॉक्स चाहिए हो, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, तो बोलना बेटा
चुप हो जाओ, मासी आएगी तो बनाएगी, क्योंकि ये आर्ट एंड क्राफ्ट पे कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तेरे बच्चों को कभी टेस्टी खाना चाहिए रहेगा तो वो ये बोलेंगे मम्मी आर्ट एंड क्राफ्ट करके दे दिया, कुछ टेस्टी तो बना के दिया नहीं आपने। अब मम्मी ने जो आलू मटर टमाटर बनाया मैं वो खाऊंगी, राइस ये वाली यूज हो जाएंगी, सिर्फ ये नहीं अच्छा है, दिस हाँ, बाकी सब अच्छा है। दादी कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। आप चखोगी दादी? नहीं, ये सोयाबीन के बने हैं ये, और ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे ये दादी चावल के लड्डू है, चावल के लड्डू और इनके ऊपर एक ये पत्ता लगा हुआ है, ये देखो ये चावल के लड्डू और ऊपर पत्ता लगा हुआ इसमें है। स्वीट टिफिन लड़का बेटियों को, मम्मी करी विदेश में लड़का बेटियों को ऐसा ही टिफिन दिया जाता है। गाइस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी खाई है, क्योंकि मेरे को तो दोपहर के खाने से पेट नहीं भरा था और मैं इतनी क्रैंकी हो गई थी कि गुड फूड वॉज द ओनली थिंग दैट कैन फिक्स मी। तो बेसिकली मैंने मेरा टिफिन बॉक्स खा लिया है, अब बारी है फैंसी से टिफिन बॉक्स बनाने की। मैंने ना कभी मैक एंड चीज नहीं खाया है, मैंने भी कभी मैक एंड चीज नहीं खाया है, कितना भी बेकार बना है हमें क्या पता चलना है। Why don't we call mac and cheese as खीर served with some cheese? पता है मैं ना जब दुखी होते तो बहुत ज्यादा, फिर खुश होते तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, like we're over excited right now। मैक एंड चीज है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी चेरीज नहीं मिली, ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, गर्मी में मिलती है चेरीज। नेक्स्ट आई हैव सम वाटरमेलन हनी ड्यू एंड कैंटलोप, वाटरमेलन हनी ड्यू एंड कैंटलोप, हमारे पास सिर्फ वाटरमेलन है और बाकी नहीं। मम्मी वो हनी कुछ फ्रूट का नाम है, मैक एंड चीज इतना फट से बन जाएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑल्सो मुझे ना रात को भूख लगती है ना, तो आज रात को हम आलू सेव नहीं खाएंगे, हम खाएंगे कुछ बहुत फैंसी सा मिड नाइट स्नैक, और विच आई एम सो एक्साइटेड, कैन यू इमेजिन मैं डिनर बना रही हूँ ना, मैं ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर मिड नाइट स्नैक। वेलकम टू कुक विद दोपाली। मैक एंड चीज के लिए मेरे पास ये वाला मैक एंड चीज है, ये वहां पे मुझे दिख गया था और मुझे इसको ट्राई करना था, सो हम इसी को ट्राई करने वाले हैं। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को मैक एंड चीज पसंद होता है, वैसे आई लव पास्तास बट मैंने कोई ट्राई नहीं किया, लेट्स सी। पता है दूध पाउडर आता है ना भाई, दूध पाउडर जैसी स्मेल आ रही है इसमें से, ये तो चखना बनता है। आजा जानी चखेगी? हाँ बन गया, आजा। दूध पाउडर में जो डालते हैं, दूध पाउडर और पॉपकॉर्न में जो डालते हैं, उसकी मिक्स जैसा इसका टेस्ट है। सो द प्लान इज कि हम ना इसमें थोड़ा सा ओरिगानो डाल लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये सब डाल लेंगे, क्योंकि तो बहुत फीका लग रहा है मुझे। और पता है क्या चीज की, मेरे को ना बहुत ज्यादा चीज पसंद नहीं है, ऐसे थोड़ा बस ऐसे थोड़ा सा ही चीज चाहिए, बहुत नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही इसको आधा ही बनाते हैं क्योंकि पूरा वेस्ट हो जाएगा, बाय एनी चांस अगर ठीक बन गया तो मैं अगली बार यूज कर लूंगी। सो ओके, हमें ना इसमें 6 कप्स ऑफ वाटर डालने वैसे, बट क्योंकि हम आधा बना रहे हैं तो हम 3 कप पानी के डालेंगे। गाइस हमें ना इसके लिए ब्रोकली भी कट करके रखनी है टिफिन बॉक्स में, ये मुझे काफी पसंद है। आई ऑल्सो गॉट दिस टूल, इससे हम क्यूट वाटरमेलन टाइनी टाइनी बॉल्स निकाल लेते हैं। ये रहा वाटरमेलन, अब ना हम इसके, वाओ दिस इज वेरी वेरी नाइस, ये देखो ऐसे मस्त राउंड निकला रे बाबा। गाइस हमारे वाटरमेलन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, फिर बॉइल्ड पास्ता डालने की। ये मैक एंड चीज को हम नाम बदल के मैदे वाली रबड़ी बोल दें क्या यार? ये एक्चुअली पता है रबड़ी में जैसे साइड साइड में थोड़ा थोड़ा दूध लग जाता है ना, वैसे मलाई लगे जा रही है। मुझे ऐसा लगता है मैंने दूध थोड़ा जल्दी डाल दिया है। आइए दोस्तों अब हम चीज मसाला डालेंगे, हम पाउडर चीज भी डालेंगे, लिक्विड चीज, चीज ही चीज होगा इसमें। गाइस इट इज टेस्ट टेस्ट टाइम, ये खाया हमने, आपने भी खाया ही होगा, ये वो मैगी के बहुत सारे पास्ता में फ्लेवर आते हैं ना, उसमें से अपन सबको ऐसे हमको चुल होती है मैगी का क्या आया है, ये उन्हीं में से कुछ एक लग रहा है मुझे, कुछ बहुत खास है नहीं ये, जितना फैंसी बूजी सा डब्बा 270 रुपए का ये, भाई साहब दिस इज नॉट एट ऑल वर्थ इट, बिल्कुल भी सारू नहीं। काफी ओकेज़ है, मतलब हम ये इंडियन टेस्ट बड्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। I'll give 6 out of 10. Waste of money. Not for Indian people. But it's okay. चलो, let's pack a tiffin box. मैं ये बताना चाहती हूँ guys, ये वाली वीडियो में तो हमने जो बनाया इतना कुछ खास बना नहीं, बट मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज सेव करके रखी है, बट ये सारी बहुत अलग रेसिपीज थी जो मैंने नहीं ट्राई की थी, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ट्राई करना है। अब थोड़ी ऐसे लाइक अपने ही औकात में रहने वाली रेसिपीज भी है मेरे पास, तो प्लीज मुझे बताना। मैं तो पहले बोल रही थी इंडियन बनाना चाहिए था, इंडियन खटियार का लेना चाहिए था इंस्पिरेशन। हाँ उनकी लेनी चाहिए, उनके टिफिन बॉक्स बहुत सही है, उनके टिफिन बॉक्स तो वो है जो अभी भी अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे वही बना के देती होती है। गाइज उन्होंने ना अपनी कोई तो एक बहुत ही अलग प्रकार की चटनी रखी थी, सम डिप,
बट क्योंकि हम तो गार्लिक चटनी खाते हैं और वह बहुत सही फिट बैठ रही थी तो मैंने गार्लिक चटनी रख दी है। जी हमारा लंच बॉक्स तैयार है डिनर बनने के लिए। यू आर बेस्ट हनी, मॉम इज प्राउड ऑफ यू, लव यू। ऐसा लग रहा है मुझे ब्रोकली हल्की सी बॉइल करके रखनी चाहिए थी। नहीं नहीं, पर उसने तो कच्ची ब्रोकली रखी थी। ये वो लोग होते हैं ना जो ड्रेसेस होने से पहले आ जाते हैं दूसरों के टिफिन में मुंह मारने। ये देखो, और मैं वो बच्ची ले जा ले जा खा ले तू ही खा ले तू ही खा ले। मैंने कुछ खास बना भी नहीं पाया। जानवी का ही फेवर है, सो लाइक जानवी लव्स चीज एंड मिल्क, सो जानवी विल लव इट मोर देन मी। इट इज ट्विनिंग विद माय आउटफिट, ये खा सकता है एक्चुअली। और मैंने इससे फीके मैक एंड चीज खाए हुए हैं। ये पता है जब आप कोई सीरीज वगैरह देख रहे हो जिसमें आप ऐसे पास्ता वगैरह देखो तब आपको खाने की बहुत इच्छा करिए। ये वाला खत्म करने दे मुझे, मैं वेरी स्लो ईटर। लेट्स हैव सम राउंड राउंड वाटरमेलन मार्शमेलो हॉट चॉकलेट डाल के बहुत सारे लोग सर्व करते हैं बट मैंने कभी खाई नहीं। ये वाले मैंने खाई तो कुछ खास लगे नहीं मुझे। अब पूरी वीडियो में मैं इतनी कंप्लेनिंग रही हूँ ना आज, आई एम रियली सॉरी। दिस इज अ बोरिंग खिचड़ी, सब खाते रहते हैं। नहीं खा सकते। ओके गाइस, मैंने जैसे सोचा था ये वीडियो बनेगी वैसी नहीं बनी है, बट मैंने बहुत सारी रेसिपीज और सेव करके रखी हैं, तो प्लीज मुझे बताना अगर आपको पार्ट टू देखने में इंटरेस्ट हो तो। एंड यस, आई एम ग्लैड मैंने भिंडी और रोटी खा ली थी क्योंकि इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा फॉर श्योर। मैं यहाँ गप्पे मारते मारते थोड़े से मैक एंड चीज खा रही हूँ और मैं आपको मिलती हूँ मिडनाइट स्नैक पे। ओके बाय। तो मैं ना मेरे मिडनाइट स्नैक की तैयारी करके रख के जा रही हूँ एंड मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, मुझे बहुत बहुत टाइम से बनाना था। मैं कट करती हूँ क्योंकि तू तो कर नहीं पाएगी। एक तू कर एक मैं करती हूँ, रात को दोनों एक एक खाएंगे। दिस इज वेरी क्यूट, आई डोंट नो टेस्ट कैसा करेगा बट आई एम प्रिटी श्योर की क्यूट तो बहुत ही है। अच्छा वैसे भी अपने को दो कट करना है। ओ वाओ, एक छोटा एक बड़ा। मेरे साथ स्कूल में भी ये हुआ करता था, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास में मैं पहले खुद ट्राई करती थी, फिर मेरा बहुत बेकार बनता, फिर मैं बैठती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का खत्म हो जाएगा तो वो मुझे बना के देगी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें थोड़े से राइस लिए, ये गई इसमें हल्दी और इसके ऊपर हम रखेंगे ये ना इसे कुक होने के बाद सनफ्लावर जैसी वाइब देगा। दिस इज बेसिकली अ किड स्नैक। कितना क्यूट लग रहा है, दिखा सी। जैसा मैंने सोचा था, फ्लावर जैसा लग रहा है ना, बट दिस इज वेरी सैटिस्फाइंग टू मेक। आपको कुछ बहुत क्यूट बनाना है, व्हाइट कलर का, ऐसे प्योर व्हाइट कलर का क्लाउड जैसा बनाना है ना, राइस पेपर यूज कर लो। हम ना गुजराती बनाते हैं पापड़ी, वो चावल के पापड़ होते हैं, वो भी ऐसी लगती है पर क्योंकि वो मोटी होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, इसे काट वाट सकते हो। सी ये देखो, ओह दिस इज सो क्यूट। ये चावल के पापड़ काफी ऑयली है बट टेस्ट गुड। We love rice के पापड़। Yes, हमें वैसे भी चावल के पापड़ बहुत पसंद है। और उसको आप डालो और वैसे निकाल दो। हाँ फट से निकाल दो। हमने उसको वो नहीं किया, ऑयल पेपर पे नहीं रखा, नहीं तो निकल जाता, नहीं तो निकल जाता। बाकी दिस इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। मैंने बहुत कम चीजें आज टेस्टी बना पाई है, उनमें से एक ये है और क्यूट भी है। और वेरी क्यूट। यस yes.